हमारे ओडिशा राउरकेला सेक्टर 3 जगन्नाथ जी मंदिर तीनों रथ तैयार हैं। आज शाम को रथ यात्रा प्रारंभ होने वाला है। करीब करीब 11 बजे से भगवान श्री जगन्नाथ और अपने श्री भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा और सुदर्शन के साथ इस रथ में आरूढ़ होके उड़िया भाषा में विजय करेंगे और फिर सारे भक्तजन खींचते खींचते इनको अपने मौसी के घर लेके जाएंगे और वहाँ पर फिर रास्ता में पोड़ो पिठा खाएंगे और कितने सारे भोग लगेंगे। आज का रथ यात्रा का परम आनंद का एक महान पर्व। इस रथ यात्रा के पर्व में मैं आप सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स बंधु हैं मित्र हैं और जितने सारे व्यूअर्स हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आप सभी का श्री बलभद्र श्री जगन्नाथ माँ सुभद्रा सुदर्शन भगवान कल्याण करे, आप सबका मंगल करे, आप सबके जीवन में हर प्रकार के दुख कष्ट पीड़ा इत्यादि का निवारण हो और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपके जन्म जन्मांतर्गत सभी प्रकार के पाप विकार दोष इत्यादि विनाश हो। इस प्रकार श्री भगवान बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा माता के चरण में श्री सुदर्शन भगवान के चरण में मेरा प्रार्थना है और मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे YouTube के माध्यम से, आपके आसपास अगर कहीं भी रथ यात्रा हो रहा हो तो आप ज़रूर जाएं और ज़रूर इस रथ यात्रा के पावन दिवस का रथेतु श्री वामनम दृष्ट्वा, कहा गया कि रथ के ऊपर श्री जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने से मोक्ष और मुक्ति का प्राप्ति होता है। और पूरी श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आज तो लाखों के श्रद्धालु लाखों के भक्त आज जमा होंगे और ऐसे ही आप अपने आसपास के जो भी शहर में देश विदेश कहीं भी रहते हो तो आप लोग ज़रूर इस रथ यात्रा में पहुँचें और कुछ हो नहीं हो सेवा दें। और कहा जाता है कि रथ के जो रज्जू होते हैं रस्सी होते हैं जगन्नाथ जी जब रथ में होते हैं उसको स्पर्श करने मात्र से छूने मात्र से आपके जीवन में हर प्रकार के जो भी कलुष कलमश है दुख इत्यादि है विनाश हो जाते हैं। और कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जो भी आपके मनोकामनाएं हैं केवल प्रार्थना कर देने मात्र से ही दूर हो जाता है। और मैं आज से नहीं मेरे जन्म से बचपन से ही यह यात्रा देखते देखते आया हूँ तो स्वाभाविक बात है एक अति उत्तम मनोहर सुंदर यात्रा होते हैं। एक अलग प्रकार के भाव मन में, एक अलग प्रकार के संवेदनाएं मन में चलते हैं, एक भक्ति उत्थ एक वातावरण बनता है। तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से सभी को विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं। आप किसी भी शहर में रहते हो जानता हूं पूरी रथ यात्रा और उड़ीसा के अंदर रथ यात्रा सबसे ज़्यादा होता है, हर एक गांव में होते हैं रथ यात्रा, ऐसे सब कोई रथ के यात्रा रथ बना के भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को लेके यात्रा करते हैं। लेकिन बाकी शहरों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और देखिए तीनों भगवान के रथ के जो कलर्स हैं अलग अलग हैं,
देखो ये नीलांजन समाभासम शनि बाबा का कलर है ना, और ये देखो बृहस्पति पीला, माता माता सुभद्रा पीला कलर, सफ़ेद बलभद्र भगवान के अलग अलग रंगों में सुसज्जित रथ और पहिए और घोड़े। देखिए यहाँ सफ़ेद घोड़ा और उधर श्री जगन्नाथ जी, उधर काला घोड़ा, सब घोड़ा बनाया गया। और ऊपर में देखिए, और ध्वजाओं को बांधा गया। अब ये जगन्नाथ जी का जो कार है उनका स्टेपनी है ये ये स्टेपनी, ये कई रास्ता में पंचर वंचर हो जाए तो इसको लगाया जाएगा, ठीक है। ये नीचे भगवान जगन्नाथ जी का डिक्की है, कार का डिक्की इधर नीचे रहता है। नीचे ब्रेक देख सकते हैं, यहाँ ब्रेक लगा हुआ है। ये रे ब्रेक पुल होता है जब ज़्यादा लोग खींचते हैं तो, और जैसे एरोप्लेन में चढ़ने के लिए होता है ना, तो ऐसे ही ये लेडर है, इसके ऊपर जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाएगा और पहंडी होगा। बड़ा मज़ा आता है जगन्नाथ भगवान को टहिया हिला हिला के उनको रथ के ऊपर चढ़ाया जाता है। और ये उनका स्थान है जहाँ पर भगवान बैठेंगे, यहाँ पर वो उनका गद्दी आसन सिंहासन डाला जाएगा और फूलों में पूरा सजाया गया है। अभी श्री जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के, सुभद्रा माई के रथ को और ध्वजा भी लग गया है। 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और ये रज्जू रस्सी यहाँ से, इसमें देखिए कितने मोटे मोटे हैं, इनको खींचा जाएगा। और ये सारे घोड़ों को भी पूजन हो चुका है। तो अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ ब्रेक, हम लोगों का जो कार में ब्रेक कैसा लगता है, ये है ब्रेक। इसको रस्सी में टांग के झुलाया जाता है और जब रस्सी ज़्यादा चले तो उसे खींचा जाता है। और ये सामने वाला हमारा 3 नंबर राउरकेला का मंदिर, ऐराबंद मंदिर, अत्यंत सुंदर मनोहर वातावरण में ये वन बनाया गया और यहाँ प्रसाद इत्यादि प्राप्त होते हैं, पवित्र रथ यात्रा, तो एक बेस्ट वातावरण है। आप सभी आज ज़रूर, और हम लोग भी व्यस्त रहेंगे, आज भयंकर व्यस्त रहूँगा मैं भी, सारे तरफ रिकॉर्डिंग के लिए शाम को व्यस्त रहूँगा। हमारे राउरकेला में तो कम से कम 25 राजस्थान में रथ यात्रा होंगे, मेरे आसपास कम से कम 10। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।